YouTube की 1000 वीडियो इसने बनाई है। तो ये बहुत ही यंग लड़का है कि जो एनडीएस फॉलोअर्स है ऐसा कह सकते हैं कि जिसको हम बोलेंगे कि एक साल तक सिर्फ जूस मिलेगा तो उसका क्या जवाब होगा? वेलकम जी। चलेगा चलेगा। तो उसका उसका 9 दिन का क्या एक्सपीरियंस है उसके लिए हम जाने के लिए से थैंक यू। जैसे नवरात्रि के 9 दिन तो बहुत अच्छे थे। मतलब कुछ लोग को ऐसा बोलते हैं, एक भाई ने मुझे कहा था कि कैसे पूरा दिन चलता है, पूरा दिन कैसे डे टू डे लाइफ में जूस के ऊपर रह सकते हैं। तो बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि एक ग्लास दो ग्लास एक ग्लास या दो ग्लास पी के खड़े हो जाना है, 3-4-5-6 ग्लास पी के भी आप पूरा दिन चला सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिन में मैंने क्या किया वो आपको बताता हूँ। सुबह के 8-9-8 बजे अराउंड मैं उठता हूँ और वहाँ से 12 बजे 1 बजे तक मेरा फास्टिंग होता है। तो उस टाइम पे कुछ नहीं, बाद में 12 बजे 1 बजे मैं जूस पीता हूँ। फर्स्ट ग्रीन जूस होता है या फिर गैप्स का जूस होता है, डिपेंड हमने क्या बनाया है। उसके बाद 6-7-8 बजे तक फ्रूट जूस ही होता है, गैप्स का जूस। और शाम के डिनर में थोड़ा सा सलाद और बाकी के टाइम पे जूस। तो ऐसा ही 9 दिन किया, पूरे शरीर में कभी भी वीकनेस नहीं लगी, ऊपर से जो एनर्जी लेवल था बहुत बढ़िया था और ऊपर से बढ़ गया था। इवन इफ मेंटल फिजिकल आप कोई भी बोल सकते हो, उसमें सब में प्लस पॉइंट थे, कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं था। तो आप कहोगे कि 9 दिन कैसे मैंने दिया, ये आप सोचते हो कि तो वो करने में हमें कई सालों से लग गए। फिर भी मेरे नवरात्रि के बाकी के दिन की बात करते हैं, तो उस टाइम पे सेम शेड्यूल, 12 बजे तक फास्टिंग होता था, 12 बजे ग्रीन जूस और उसके बाद पूरे दिन जूस। और मेरा पूरा 24 आवर्स में मेरा जो खान पान है उसमें से 80-90% तक जूस था। ओके, और मैं जूस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहता था क्योंकि अब मेरा ऐसा अनुभव है कि आप 1 kg 2 kg सलाद खा नहीं सकोगे, पर अब 2 kg के सलाद का जूस पी सकते हो। इसी वजह से मेरा पूरा दिन का शरीर में जूस ज़्यादा रहता है। और आप एक मैम से उन्होंने ऐसा पूछा था कि आप कैसे ये सब चीज कर लेते हो, लोग पिज्ज़ा बर्गर सैंडविच याद नहीं आता। तो उसका आंसर ये है कि मैंने एक्सपीरियंस किया है रॉ फूड का। आपके बेटे भी जब 9 दिन 2 दिन 3 दिन जूस के ऊपर रहेंगे तो उनको भी पता चल जाएगा कि कुक फूड अच्छा है या फिर रॉ फूड। जब आप वो चीज़ अनुभव करने लगोगे उसके बाद आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, आपके बच्चों के लिए भी आसान हो जाएगा। तो मैं ऐसा रिकमेंड करूँगा कि आप घर पर जाते हो तो खाना शुरू मत कर देना, फ्रूट्स वेजिटेबल जूस बहुत सारे बनाए हैं भगवान ने, वो खा लीजिए। और आप जब बाहर जाके पूरे महीने में एक बार पिज्जा खा लेते हो या पूरे महीने में एक बार बर्गर जाके खाते हो, फिर घर पे आके क्या करते हो? फिर 24 आवर्स का वाटर फास्ट और या फिर जूस फास्ट। उसका रीजन है क्योंकि मुझे उस टाइम पे हमने खा लिया वो ठीक है, बाद में हमें पता है कि अब क्या करना है। और सेकेंड चीज, हम जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो इसमें कुछ लिमिटेशंस ला देते हैं, जैसे चीज़ वाली नहीं खाने की या फिर कुछ चीज़ें अवॉइड कर देनी, ताकि हमें पता चले कि ना ये हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है। तो इसी वजह से हम कुछ चीज़ को अवॉइड कर देते हैं और बाकी जो हेल्दी ऑप्शंस है वो ऐसी चीज़ें खा लेते हैं। और जब भी हम बाहर जाते हैं तो हमें पता है, देखो कोई भी प्लान होता है ना तो वो प्री प्लान होता है, यानी कि कोई सडन प्लान आपको तुरंत नहीं होता। आपको पता होता है कि आप जहाँ भी जाने वाले हो वो आधा घंटा 1 घंटे होने वाला है, तो उस टाइम पे आप 2-3 ग्लास जूस पी लो, उसके बाद खाना बैठो। या फिर मुझे पता है कि आप शाम को पिज्ज़ा खाने वाले थे, अभी एक मैम आए थे तो उन्होंने बोला था पिज्ज़ा के बाद, तो उन्होंने मैंने उनको फोटो दिखाया, देखो 2-3 दिन का पहले के बाद पिज्ज़ा का ऑप्शन था, तो मैंने 2-3 ग्लास जूस पी ले, उसके बाद मैं पिज्ज़ा कितना खाऊंगा, 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा पूरा पिज्जा तो खा नहीं पाऊंगा। तो ऐसे करके आप आपके बच्चे को आप ऐसे समझाइए, इससे आपकी जो खाने की जो क्रेविंग है ना वो रहेगी,
पर अब जो पेट भर के खा रहे हो ना वो नहीं खा पाएंगे। और मैं कोई भी चीज है ना चपता हूँ, चपने में और खाने में बहुत फर्क है। अब वो चीज समझ गए ना, तो कोई भी चीज जब चपते हो एक एक स्पून दो स्पून पांच स्पून चप लिया, लोग क्या करते हैं उसको खा लेते हैं, वो नहीं करना है। वो चीज जब समझ गए ना उसके बाद आपको दुनिया का कोई भी इंसान है वो आपको पीना नहीं पड़ेगा। और अगर मम्मी घर पे नहीं हो, जूस नहीं बना पाई, सलाद नहीं बना पाया, या मैंने आपको कुछ फ्रूट नहीं दिया और आपको पूरे दिन कुछ बाहर रहना है, तो फिर बाहर क्या खाओगे? दुनिया में ऐसी कोई भी एक जगह पर नहीं है जहाँ पे फ्रूट का जूस नहीं मिलता, राइट? फ्रूट का जूस समर के सीजन में गन्ने का जूस, और बाकी के सीजन में वाटरमेलन है या फिर ऑरेंज जूस से कोई भी जूस मिल जाता है। इवन इफ घर पे मम्मी नहीं होती है तो फ्रूट होते हैं। मम्मी दो तीन दिन घर पे नहीं होगी पर फ्रूट घर पे होंगे, तो फ्रूट खा लो, ये मेरा ऑप्शन है ना। फ्रूट खाएंगे तो मैं हेल्दी रहूंगा, मम्मी हेल्दी तो रहने वाली है नहीं। ये चीज किसने समझाई? कुछ एक्सपीरियंस किया, वो सारी चीज हमने एक्सपीरियंस की कि बाहर जाते हो तो कहीं पे भी आप जा रहे हो, जैसे यहाँ से आप घर पे जाओगे तो आपको मिनिमम 10 से 15 फूट की लाली और 10 से 15 जीप वाले मिल जाएंगे। तो आप घर पे जा रहे हो तो आपके पास ऑप्शन है, रोटी कभी दाल चावल खा रहे हो उससे अच्छा है कि दो तीन ग्लास जूस पी लो, आधे घंटे में दो ग्लास तीन ग्लास जूस पी लो, हो गया ना, वो भी खाना ही है ना। तो कहीं पे भी हम जाते हैं, कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं तो फ्रूट का जूस है, वेजिटेबल्स का जूस है, कहीं पे भी मिल जाता है तो हम वही खा लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बाहर गए तो ऑप्शन मिल गया कि आज मम्मी बाहर गई है तो हम पिज्जा खाएं, ऐसा नहीं होता है। घर पे भी वही चीज होती है और मम्मी को देखना नहीं पड़ता है क्योंकि उनको भी पता है कि बच्चे वही खाने वाले हैं, यानी कि मैं वही खा रहा हूँ। स्वस्थ रहना अच्छा है या बीमार पड़ना मुश्किल है, क्या मुश्किल क्या है? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि बीमार पड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप जब रॉ फूड खा रहे हो तो आप बीमार पड़ोगे नहीं। जैसे मैं ये सिस्टम स्टार्ट की, सबसे अभी तक मैं एक भी बार हॉस्पिटल नहीं गया, ठीक है? तो उसका जितना भी खर्चा हुआ वो फ्रूट में डाल दो, भले ही वो फ्रूट 80 रुपये किलो है 2000 रुपये किलो, क्या फर्क पड़ता है? या वो ऑर्गेनिक है या अनऑर्गेनिक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ऐसे भी आप जूस बाहर कहीं भी खाने जाते हो तो कम से कम मिनिमम 300-400 रुपीज हो जाता है, राइट? तो 400 रुपये का गन्ने का जूस पी लो ना, क्या बाहर जाते हो तो आप जो ऑरेंज का जूस है वो 30-40-50 रुपये मिल जाए, जैसे 5 ग्लास पी लो, 2 ग्लास पी लो, 6 ग्लास पी लो, फिर भी 400-500 रुपये नहीं होंगे। तो आपके पास ऑप्शन है, आप उसको ले नहीं रहे। मैं एक दिन पुराना गन्ने का जूस भी पीता हूँ और 2-3 दिन पुराना ग्रीन जूस भी पीता हूँ, फ्रिज में रखा हुआ, कुछ नहीं होता है। पर हाँ वही चीज जब पकाए हुए खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। और गन्ने का जूस पीते हैं तो बर्फ वाला पीना चाहिए या ऐसा ही पीना चाहिए? बाजार में मिलते हैं वो बर्फ वाला मिलते हैं, नहीं बर्फ, उनको बोलने का बर्फ नहीं डाले, बर्फ पीने का पीना चाहिए। मेरा नाम रूपेश पटेल है और मैं 24 और मैं नारायणपुरा अहमदाबाद में रहता हूँ, नारायणपुरा एक मधुरम अपार्टमेंट संत कबीर स्कूल नारायणपुरा। फोन नंबर है 9824317955। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन हो तो यंगस्टर के लिए या कुछ तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू। थैंक यू गॉड ऐसा फैमिली देने के लिए कि जिसको हमें पकाया हुआ बना के नहीं देना पड़ता है। और वैसे भी मैं रसोई बनाने की चोर हूँ, किचन में जाती हूँ तो मुझे करंट लग जाता है, जो तुरंत बाहर आ जाती हूँ, गैस चालू करते ही मुझे तकलीफ होती है। तो पहले से ऐसा है कि जितना कम किचन में रहे उतना अच्छा है, और जितना फ्रूट खाने को मिल जाए उतना ज़्यादा अच्छा है।